और प्रसाद भंडारा के पंडाल लगाने से पहले सावधान जो बड़ा काम था हादसे का शिकार हो जाओगे। जैसल मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सदर थाना क्षेत्र का, यहाँ पर देख लो भैया जोरदार बारिश हो रही थी और माँ दुर्गा के पंडाल में करंट उतर जाता था। जी हाँ भैया, भंडारा चल रहा था और टेंट लगा हुआ था। अब टेंट में अगर बल्ली बना होता तो करंट ही ना करता और आता भैया तो करंट किसी को लगता नहीं, लेकिन काम था। जैसे टेंट वाले भैया लोहे में करंट उतरता है और दो लोग बगैर छूते हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। दो व्यक्तियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। एक तो भैया 40 साल का व्यक्ति था, दूसरा बगैर 17 साल का नौजवान किशोर था, नाम रोहित था भैया, दुनिया छोड़कर चले गए। असंदर थाना क्षेत्र का मामला भैया, पुलिस कार्रवाई करने में जुटी पड़ी है और बकायदा हॉस्पिटल भी ले गई, लेकिन दोनों लोग दुनिया छोड़कर चले गए। चलो भैया दूसरी खबर देख लेते हैं। अब डंपर वाले भैया अनियंत्रित हो गए भैया, पलट गए, डंपर लेके गिर पड़े, ऐसा गिरे की काब था, पूरी देख लो डंपर की बत्ती सी निकल गई और खाली पंडाल के अंदर जा घुसा। जैसा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बसौली क्षेत्र के अंतर्गत भैया बिंदौरा चौराहे के पास का बता जा रहा। अब आदत से खबर भेजी की देखो समय देखो, यहाँ तो बगैर समूचा डंपर है पलट गया, मोरंग वोरंग लता पड़ा था और बगैर बत्ती सी बाहर निकल गई डंपर की, सीसा घुसा टूट गया। फिलहाल भैया दूसरा तो देख सकते हो, मौके पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई करने में जुटी पड़ी है। हाँ बरसात में गाड़ी चलाने से पहले सावधान हो जाओ, माथा का बारो फूटेगा और गाड़ी अनियंत्रित हो गई तो पलट हो सकती है। जैसा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली के आलापुर वाली रोड के पास का, जहाँ देख लो भीषण सड़क हादसा हो गया। ये गाड़ी भैया इनोवा यूपी 32 साल लखनऊ की ओर जा रही थी, अनियंत्रित हो गई और ऐसा अनियंत्रित हुई कि खंभे में जा टकराई और क्या धोना कहता, 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी को बगैर हॉस्पिटल पहुंचा देगा। सूचना मिली तो नगर कोताल देख लो भैया बगैर संजय मौर्य जी पहुंचे और बगैर ट्रैफिक क्लियर करवा रहे थे। भैया बाराबंकी जिले मिलिट्री जंगल के भैया पास आलापुर पड़ता, वहीं की घटना बताई जा रही है। फिलहाल सूत्र के अनुसार जानकारी मिली। हाँ डॉक्टर साहब भी बात है, बढ़िया काम क्या बने, इनका ब्लड प्रेशर पहले चेक कर करो, बीपी भी ठीक ठाक है या नहीं है, ना जाने का मारपीट हो जाए, हैरान मत हो। ये मामला प्रदेश के बाराबंकी जिले का भैया, जहाँ पर देख लो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि वर्मा बगैर हेल्थ चेकअप करवाने पहुंचे थे। सर आपको बता दें कि प्राइवेट टेस्ट द्वारा भैया हेल्थ चेकअप और इसके साथ ही ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया था। लगातार बारिश हो रही थी, तमाम भैया कई लोग आकर के अपने मगर हेल्थ चेकअप करवा रहे थे, ब्लड डोनेट कर रहे थे। ऐसे मगर रिजवान मुस्तफा भी दिख रहे थे, उनके साथ बगैर सरवली रिजवी भी दिख रहे थे, जफर भी दिख रहे थे और भैया कई सारे समाज सेवी पत्रकार उपस्थित। हमने कहा दिखा दें आपको पानी वाला गाना बजेगा भैया, यहाँ पर हनी सिंह आएंगे बगैर डिस्को डांस करेंगे। अब कहा बताएं बाराबंकी जिले भैया जब से बारिश होती है, जब वो बारिश होती है आज से हम छोटे से बड़े हो गए हैं, हमारी बगैर 18 साल उम्र हो गई है, लेकिन कहा बताएं आज तक यहाँ बगैर नाले ढंग से नहीं बन पाया, जगह जगह पानी भर जाएगा, छाती तक पानी भर जाएगा और लोग बगैर यहाँ नाव लगा कर तैरेंगे। और कहा बताएं देखो सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। फिलहाल इस पर आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, पर बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए एविशन 4 की बात पर वीडियो शेयर करो, शाम सर को लो शाम साजू को बन सकते भैया।